फिजिक्स में भी कुछ दिनों बाद दिस कॉल इज नाउ बीइंग बैच सेपरेट हो रिकॉर्डेड जाएगा ना फिजिक्स में भी, तो आपके क्या हो जाएंगे, मतलब बच्चे वहां पे भी कम हो जाएंगे, ठीक है, जी सर। कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो चलो आज हम ये बात कर रहे हैं आपका केमिस्ट्री का जो क्या है आपका सेकेंड लेक्चर है ना, सेकेंड लेक्चर है। तो लास्ट टाइम में हमने क्या क्या बात किया था, ये तो साइंस वगैरह के बारे में कुछ बात किया था कि हाँ साइंस क्या होता है ये वो, ठीक है, फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब के बारे में बात किया हुआ था, फिर हमने मैटर के बारे में बात किया हुआ था। हाँ क्या हुआ, अरे मैटर वगैरह के बारे में बात किया था, फिर मैंने बोला था एटम क्या होता है उसके बारे में बताया था, जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में। किसी को कुछ पूछना इसका सेकंड पॉइंट समझा दो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पॉइंट इसमें क्या है। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब देखो एक एलिमेंट है जैसे क्या है, कोई एलिमेंट जैसे क्या है, H2 एक एलिमेंट है ना, यस सर यस सर, ये देखो एलिमेंट जो होता है ये तुमको मतलब दिख रहा है ना, लेकिन क्या होता है इसका एटम, देखो एक एलिमेंट बहुत सारे एटम से मिलके बना है, बोलिए एक एलिमेंट बहुत सारा एटम से मिलके बना है कि नहीं, यस सर बना हुआ है, जो जितने भी एटम से मिलके बना होगा ना वो सारे एटम एक ही तरह एक जैसे होंगे, उसके मास एक होंगे, शेप एक जैसा होगा, साइज एक जैसा होगा, जैसे H2 जितने भी एटम से, तुम्हें बोले थे लास्ट क्लास में बताया था ना कि हाँ ये जो होता है एटम इतना छोटा होता है इसको काट नहीं सकते, ये तुमके क्या होगा एटम, एटम को काट नहीं सकते, ये तुम्हें दिखेगा भी नहीं। तो H2 जो है ना ये बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और वो एटम सबके सब क्या होते हैं एक जैसे ही होते हैं, उसके मास एक जैसे होते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन पूछे सर, सर जैसे जो आइसोटोप होते हैं फिर तो वो सर अलग अलग हुए ना, आइसोटोप देखो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप जो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट, तो सर मास इसमें लिख रखा है, आइसोटोप का अलग कहानी है। जैसे कार्बन क्या है, कार्बन का दो आइसोटोप होता है, एक C12 और एक C14, आइसोटोप अलग कहानी हो गया ना, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम मतलब क्या, प्रोटॉन की संख्या सेम, पता है ना एटॉमिक नंबर जितना प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक, बोलो तो सर आइसोबार भी तो होगा ना सर, अरे वो आइसोटोप आइसोबार आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब अगला चैप्टर रहेगा ना उसमें पढ़ेंगे। फिर हमने ये क्या बात किए थे, ये हमने बात किया था ये इसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत मास का कांसेप्ट समझ में नहीं आया क्या सर, अरे पूरी पीरियोडिक टेबल प्रोटॉन्स पे डिपेंड है ना, हाँ पूरी पीरियोडिक टेबल प्रोटॉन पे डिपेंड है, जितना उसका क्या होगा प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर, जो जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और मास क्या होता है, मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है उसका मास होता है, मास तो देखो ये एक तुम्हारा होमवर्क है, क्या होमवर्क है, घर पे जाना क्लास के बाद में, कल के क्लास से पहले तुम क्या करोगे, एक तुम ऐसा टेबल बनाओगे, मैं बताता हूँ कैसे क्या बनाना है, ऐसा आप टेबल बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे एटॉमिक नंबर, क्या लिखोगे एटॉमिक नंबर, फिर यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट और सबसे लास्ट में लिखोगे उसका मास, सपोज करो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है एक होता है, हाइड्रोजन को किससे चीज से डिनोट करते हैं H से, और उसका मास क्या होता है 1, फिर होता है 2, इसको कहते हैं हीलियम और उसका मास क्या होता है कितना होता है बताओ जल्दी, 4, अच्छा हाँ 4 होता है, तो ये आप 30 तक करके मेरे को व्हाट्सएप करना अपने बैच नंबर के साथ नाम और सर 118 के एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है मास की या फिर अप्रोक्स वाली, मैं बता दे रहा हूँ अप्रोक्स वैल्यू बताना है, वो होल नंबर में रहना चाहिए, फ्रैक्शन में मत बताना, ओके सर। देखो अब कैसे तुम होल नंबर में बताओगे, देखो जैसे तुमसे अगर कोई पूछे क्या पूछेगा, सपोज करो कार्बन ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का मास तुमको 15.99 दिख रहा है ना, है सर यस सर, लेकिन ये 15.99 क्या है अप्रोक्स में है, अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू करोगे तो क्या होगा 16 होगा कि नहीं, ऑक्सीजन का 16 लिखना, नाइट्रोजन का तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा बताओ
इसका अप्रोक्स वैल्यू लिखना 14, ना कि 14.006. ये जैसे नियोन है, इसका क्या लिखोगे तुम? 12 20 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
क्लोरीन, हाँ देखो क्लोरीन में तुम एक चीज दिया रहा था, क्लोरीन क्या है इसका बताओ, तुम क्या लिखोगे क्लोरीन का, तुम भी बताओ। 35.5 इसका तुम लिखोगे 35.5 क्योंकि ना ये 36 जा सकता ना ये 35 पे रह सकता, क्योंकि देखो ना ये मिडिल में है थोड़ा। हालांकि इसका क्या लिखोगे आर्गन का, 40 ये आप 30 तक मेरे को करके व्हाट्सएप करना, ठीक है सर? याद भी करना है? ओके सर। नहीं लिख के मेरे को भेजना, याद करना है नहीं करना, पहले सही तो लिख रहे हो, उसके बाद तो देखेंगे ना कि सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो, जी ठीक है? तो सबको भेजिएगा, ठीक है? चलो उसके बाद में ये तुम्हारा एक ये होमवर्क है, आगे हम लोग बात करते हैं उसके बाद। क्या हुआ? अरे आवाज क्लियर नहीं आ रहा मनीषा आपको, वॉइस नहीं आ रहा आपका, ये चैट बॉक्स में लिख दो, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। सर एलिमेंट्स 20 या 30? 30 30 तक, एक से लेके 30 तक। अरे दो मिनट में लिख दोगे तुम लोग, ठीक है? और उसका यूज है, ठीक है उसका यूज है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो नहीं आएगा ना तो तुम क्या मॉलिक्यूलर मास वगैरह नहीं निकाल पाओगे, मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास ये सब नहीं निकाल पाओगे, और उसी पे सारा जो है ना ये चैप्टर मोल कंसेप्ट उसी पे टिका हुआ है, ठीक है? और ये हमने बताया था ये डिस्कवरी के बारे में, ये ट्रिक याद है? यस सर। द गोपचन। हाँ तो अरे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? थॉमस जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था सर? किसका? प्रोटॉन का। गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। जैसे मैंने तुमको बताया था भाई रिलेटिव का मतलब ही होता है क्या, रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन। तो देखो ये जो था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है, इसको तुम ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन ले गए और मार्केट में ले गए कहोगे भैया इसका वजन करके बताना इसका वजन क्या है, इसका वजन तो वो मतलब मार्केट में ले जाके इसका वजन तुम नहीं कर सकते हो, नहीं ना कर सकते हो, ये बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए एक आया है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये अरे म्यूट रखो अपने आप को। सूरज भैया चलो देखो। यस सर कर। हाँ हाँ रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, मतलब ये बताता है किसी के रेस्पेक्ट में तुम उसका वजन निकालो, ठीक है किसी के रेस्पेक्ट में उसका वजन निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले जो रिलेटिव एटॉमिक मास था ना वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला था, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला। कैसे निकालते हैं, तो जिसका निकालना है उसको फॉर्मूला में ऊपर रखते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे। अब हाइड्रोजन के तो नीचे हाइड्रोजन का मास रख दो, ठीक है? लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ पंगा ये था कि भाई हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत छोटा भी है, लाइट हो जाता है, पता है ना कि अगर बैलून में हम हाइड्रोजन भरेंगे तो बैलून उड़ जाएगा, क्लास 10 में पॉप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट करोगे। यस सर। यस सर। क्या होता है हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव भी तो होता है ना, इसको हैंडल करना मुश्किल है। तो अगर रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालो तो दिक्कत था, है कि नहीं? ये लाइट है, छोटा है, बहुत छोटा है, लाइट है, इतना हल्का है कि ये उड़ जाता है, ये इसमें आग लगेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्यों निकालें? अगर हमें रिस्पेक्ट में निकालना है तो अच्छा जैसे ये तुम्हारे मार्क्स मैंने बताया था कम आ गए एग्जाम में कम आ गया, तो तुम किससे कंपेयर करते हो, तुम अपने लूजर फ्रेंड से? ऊपर से नहीं, तुम अपने लूजर फ्रेंड से कंपेयर करते हो और खुश हो जाते हो कि अरे अरे मेरा दोस्त का तो दोस्त तो मेरा फेल हो गया, मैं एटलीस्ट पास तो किया। लेकिन तुम्हें कंपेयर इससे नहीं करना चाहिए, तुम्हें टॉपर से कंपेयर करना चाहिए। इससे करना चाहिए टॉपर। तो ये जो है तो अब कंपेयर ही करना है तो किसी से भी तुम कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना है अच्छे इंसान के साथ कंपेयर करो। सर वो ऑक्सीजन का ना नेट पे बता रहा था कि ज्यादा रिएक्टिव होता है।
हाथ, ये हाइड्रोजन तो उससे भी ज्यादा है ना, हाइड्रोजन तो ब्लास्ट हो जाता है। तो देखो दूसरा तरीका आया कि ऑक्सीजन के कंपेयर, ऑक्सीजन के साथ करो तो, लेकिन नीचे क्या रखना है ना, नीचे हाइड्रोजन रखना था और तुम ऑक्सीजन ला रहे हो। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है कि नहीं? यस सर 16। तो ऑक्सीजन 16 होता है, ऑक्सीजन कितने लड्डू में टूट सकता है? 16 लड्डू में टूट सकता है। तो यदि ऑक्सीजन के कंपेयर में करोगे ना, तो इसके मास को, जो ऑक्सीजन का मास होगा उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 16 से, 16 से। और सिमिलरली यदि कार्बन से कंपेयर करोगे, देखो ऑक्सीजन से भी करना आसान था, लेकिन इससे भी आसान हो जाएगा ना अगर तुम कार्बन से कंपेयर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन तो गैस होता है ना। किसको हैंडल करना आसान है, गैस को या सॉलिड को? सॉलिड को हैंडल करना आसान है, तो इसलिए ऑक्सीजन से कंपेयर ना करके हम किससे करें? कार्बन से करें। कार्बन से, तो कार्बन, अब कार्बन का मास कितना होता है सर? 12। तो कार्बन कितने लड्डू में टूटेगा? 12 लड्डू में। तो इसका जो मास होगा उससे किससे डिवाइड कर दोगे? 12। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए अगर कार्बन के रिस्पेक्ट, देखो एट प्रेजेंट किसके रिस्पेक्ट में होता है, प्रेजेंटली जो है कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो जिसका निकालना है उसके मास को ऊपर रखो, नीचे कार्बन के मास को रखिए और उसको 1/12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है सर, ऐसे हाइड्रोजन के साथ करना? तो हाइड्रोजन के साथ करते तो 1/1 करते, क्या फर्क पड़ता है? 12। हाइड्रोजन तो एक ही लड्डू में टूटेगा ना, तो 1/1 करो या मत करो कोई मतलब नहीं है। अगर ऑक्सीजन के पेयर में कर रहे हो तो क्या कर दोगे? 1/16 करते हो। अरे ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ भी कर सकते हैं। तुम अब किसी के साथ कर सकते हो, लेकिन उतना क्यों फायदा? एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास का कुछ खास यूज है नहीं, हमेशा वन ही आता है ना, किसी को भी तो वन ही। सही। तो देखो ये नोट वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ना ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्या बताता है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग, ये कुछ नहीं है जो तुम ये फालतू का ये सब कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? न्यूक्लियस की संख्या है जो कि एटम में प्रेजेंट है, मतलब जितना न्यूक्लियस उतना उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। सर मैं बताऊं इसका क्या? अभी रुक जाओ, मैं समझा देंगे। ठीक है, मैं बोलूंगा तो फिर बताइएगा। देखिए क्या नाम, क्या नाम होगा आपका? ओम सिंह नाम होगा ना? यस सर। ओके ओम, थोड़ी देर बाद आपसे मैं पूछूंगा। ठीक है, तो देखो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? ये कुछ नहीं है, ये क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस की संख्या ही है। अब देखो न्यूक्लियस का मतलब समझते हो? बताया था लास्ट क्लास, न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस, प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अरे देखिए आप, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं भैया मेरे, सुन लो मेरी बात। अगर सब कोई एक साथ बोलोगे ना तो क्या होगा? आप साउंड इको करेगा ना, फिर पढ़ने में दिक्कत। सर मैं बताऊंगा, अबे रुक जाओ, कितना सबसे ज्यादा सारा टफ क्वेश्चन अब तुम हो मेरे टारगेट पे हो। आगे से जो भी टफ क्वेश्चन आएगा ना फिर मैं बोलूंगा ओम बताओ, अभी तो इजी में बोल रहे हो। सर पूछ लेना। हाँ हाँ आएगा, न्यूमेरिकल आ रहा है, जल्दी आ रहा है, रेडी रहना। ठीक है, तो देखो ये जो है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, ये कुछ नहीं है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस की संख्या ही बताएगा जो कि एटम में क्या है, प्रेजेंट। अब न्यूक्लियस का क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा ना वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना होता है? 8। न्यूट्रॉन कितना होता है? 8। तो टोटल कितना होगा? तो ये जो 16 है ये क्या कहलाएगा? इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। किसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। तो ये तो बड़ा आसान है निकालना, रिलेटिव एटॉमिक मास करने के लिए कुछ नहीं है, उसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट कर दो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इसी को क्या बोलते हैं? इसी को तो न्यूक्लियस बोलते हैं ना। यस सर। इसी को नहीं, तो बस रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं है भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम है, इसका जोड़ है। ठीक है, बोलो आया समझ में? यस सर। यस सर। रिलेटिव एटॉमिक मास का बहुत यूज है, आपका एटॉमिक मास यूनिट एएमयू का, इसका यूज बहुत है।
अब क्वेश्चन आता है कि सर ये एमयू क्या होता है, तो एमयू को अब समझते हैं। देखो एमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो ये जो है तुम ये एप्स मतलब क्या लिख रिलेटिव निकाल रहे थे ना, लेकिन एग्जैक्ट अगर कोई मास पूछे तो एग्जैक्ट मास क्या होगा? एग्जैक्ट मास तो वही होगा ना जो प्रोटॉन का मास होगा। भाई ये जो तुमने 16 लिखा ऑक्सीजन का, ये 16 लिखा ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, मतलब रिलेटिव के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट मास कोई पूछे तो वो क्या होगा? वो इसका प्रोटॉन का जो मास होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो मास होगा, वही इसका एग्जैक्ट मास होगा कि नहीं? Yes, तो एमयू जो है ना एग्जैक्ट मास बताता है, ठीक है? मतलब एक एक एटम का एग्जैक्ट मास जो है वो एटम एमयू बताएगा। अब ये कैसे बताएगा? देखो ऑक्सीजन का तुमने लिखा रिलेटिव एटॉमिक मास 16, लेकिन एटॉमिक मास अगर लिखा तो मैंने क्या लिखा? एमयू लास्ट में लिख दिया। मैंने लास्ट में क्या लिख दिया? एमयू। अब इस एमयू का वैल्यू बताएगा ओम। एमयू का वैल्यू बताओ क्या होता है इसका? कुछ कोई ना कोई नंबर है, बता सकते हो ओम आप? सर 1 × 67 की पावर 1.66 10 की पावर 21 -21 -21 नहीं ओम, आप सही बोल रहे हो लेकिन आप साथ भूल गए हो। -21 सही बता रहे हो आप शुक्रिया, आप ठीक है, ये सही बता रहे हैं, ठीक है ओके। सर एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो यूनिटलेस होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है क्या? हाँ रिलेटिव किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो ना, हालांकि कुछ 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 बुक में दे देता होगा लेकिन जनरली तुम्हारा यूनिटलेस, क्योंकि किसी साइंटिस्ट के नाम पे शायद। क्या बोल रहे हो भाई? सर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है सर, याद नहीं आ रहा सर वो। हाँ वो तुम कर सकते हो। देखो इधर देखो ये तुम्हारा जो है ना ये तुम यूनिटलेस ही रखो, ठीक है यूनिटलेस, क्योंकि देखो जब यूनिट रिलेटिव कुछ भी होता है ना उसका यूनिट कैसे होगा, वो तुम्हारा एक एक दूसरे से कट जाता है, ठीक है कट जाता है ना। देखो किसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो ना। अब देखो एमयू, हाँ समीक्षा आप सही बोल रहे हो, आपके मतलब से देखो एमयू कैसे मतलब निकालोगे? एमयू का वैल्यू क्या है एक्चुअली? जो तुम ये 16 लिखो, ये 16 क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही तो है ना, तो जो प्रोटॉन का मास होगा वही एमयू होगा। और लास्ट क्लास में मैंने प्रोटॉन का मास बताया था 1.67 × 10⁻²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 ⁻·अब कौन बताएगा न्यूट्रॉन का मास? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? नहीं नहीं मनीषा आप बताओ। तो न्यूट्रॉन का मास कितना होगा सर? 1.6 × 10⁻³⁻¹। 31? अबे न्यूट्रॉन की पूछ रहे हैं। सुप्रिया आप बताओ। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं बताऊं? नाम बोल रहे हैं वो होता है। सुप्रिया आप बताओ तो। अरे बताओ सर, -19 आएगा। सो गए क्या तुम क्लास में? मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? आप बताओ बताओ। सर 1.67 × 10⁻²⁻¹। माइनस सर सेम होगा प्रोटॉन के जैसे ही। यस सर सेम होगा। तो देखो ये प्रोटॉन क्या होता है 1.67 × 10⁻²⁻¹ kg, न्यूट्रॉन का ही मास इतना ही होगा। कितना होगा? 1.67 × 10⁻²⁻¹²⁻¹ kg। तो दोनों इतना मास हो जाएगा आपका। अरे है कि नहीं? तो बताओ ये अगर लिखा जाए तो तुम तो ऐसे ही देख के डर जाओगे भाई, इसलिए तुम डरो नहीं। ये क्या किया गया? एएमयू आपका लिखा गया, मास क्या लिखा गया? एएमयू 16 × 1.67 × 10⁻²⁻¹ kg। तो एएमयू का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, वही प्रोटॉन का जो मास है या न्यूट्रॉन का मास है वही उसका एएमयू का वैल्यू है, ठीक है? जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 और ये जो हमारा एएमयू का मास है तो इसमें हम सिर्फ ये 16 और 1.67 को मल्टीप्लाई करके
और ये 10^-27 को सेम रख देते हैं ना। नहीं नहीं अब देखो ये इसका इसका जो वैल्यू है ना इसको एक कांस्टेंट मान लिया गया एमयू करके, ठीक है, तो इसलिए 16 को बाहर ही रखना है, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। ओके इसका एमयू का वैल्यू है देखो, अब ये तो मैं ये प्रोटॉन का वैल्यू से मैं तुम्हें समझा दिया, लेकिन अगर मान लो कभी एग्जाम में कभी डेरिवेशन वगैरह कुछ आ गया कि एमयू का वैल्यू तुम डिराइव कर लेगा दो नंबर के मामले यूनिट टेस्ट वगैरह में आ गया तो कैसे निकालोगे, तो इधर देखेंगे एमयू का जो है ये एक्चुअली एमयू क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एमयू इक्वल होता है किसके 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब कार्बन के एक एटम कार्बन 12 आइसोटोप समझे, कार्बन का जो कार्बन 12 का मतलब कहता है वैसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 हो, 12 और मास 12 का मतलब क्या होता है वैसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12। तो सुनो ये क्या कर रहा है एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए क्या करता है कि कार्बन 12 के मास को 1/12 से डिवाइड कर दो, तो अब तुम्हें कार्बन 12 का क्या मतलब कार्बन के एक एटम के मास को 12 से डिवाइड कर दो तो जो तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा एएमयू होगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमें कार्बन के एक एटम का मास तो पता ही नहीं है, तो ध्यान रखना कार्बन के एक एटम का मास क्या होता है 1.99 × 10⁻²³ ग्राम, कितना होता है 1.99 × 10⁻²³ ग्राम, किसका मास है ये कार्बन के एक एटम का, ये मास है कार्बन के एक एटम का मास है 1.99 × 10⁻²³ ग्राम, ठीक है, और इसके मास को अगर 12 से डिवाइड कर दोगे ना, किससे डिवाइड कर दोगे 12 से, क्यों 12 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि कार्बन का में कितने कार्बन के मास क्या होते हैं 12 होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर दोगे तो एक का मतलब मान लो 12 का 12 से डिवाइड कर दोगे तो एक का ही बचेगा ना, तो एक उसी को कहेंगे 1 AMU, तो 1 AMU क्या होगा मास ऑफ 1 C12 एटम को डिवाइड कर देना है 12 से, तो देखो ये तुम्हारा जो मैंने वैल्यू रखा है यही आपका रखा है और तुम्हारे को वही आंसर आया ना जो प्रोटॉन का वैल्यू था 1.67 × 10⁻²⁷ के जी, सेम आ गया कि नहीं, अरे yes, सेम है कि नहीं, तो यही मैं 24 लिखा हुआ है, अरे तो वो ग्राम yes, ग्राम में इधर और प्रोटॉन का मास किलोग्राम्स में, अरे यार ये ग्राम में है ये केजी में है, अगर इसे भी केजी में कहेंगे तो 27 नहीं लिख देंगे सर, यस सर 30 का जो डिफरेंस, अरे ग्राम को केजी में डिवाइड करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, Yes, sir. तो 1 AMU क्या है 1 AMU अगर अगर मान लो एग्जाम में तुम्हारे दो नंबर का डेरिवेशन वगैरह आ गए तो क्या करोगे कार्बन के एक एटम को मास को 12 से डिवाइड कर देना और कार्बन के एक एटम का मास क्या होता है 1.99 × 10⁻²³ ग्राम, ये स्लाइड ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर दिया हूँ आप जाके एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है, लास्ट क्लास yes, sir. लास्ट क्लास में शेयर किए हुए थे ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। yes, अब यहाँ पे लिखा है देखो एमयू नाम भी बड़ा लग रहा है तो इस एमयू को एक छोटा कर दिया गया, अब एमयू की जगह पे लिखते हैं यू लिखते हैं, यूनिफाइड मास यू लिखते हैं और यू क्या है यूनिफाइड मास को कहते हैं, यू मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, अब ये एमयू ये निकल गया। अच्छा एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है देखो अभी तक हम रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ रहे थे, सबसे पहले क्या पढ़े थे रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर हम क्या पढ़े एटॉमिक मास यूनिट, अब पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, तो ये देखो एटॉमिक मास तो तुमको पता है ना आज तक बचपन से तुम एटॉमिक मास ही पढ़ के आ रहे हो, जैसे तुम कार्बन का क्या बोलते हैं 12 मास, वो 12 क्या है कार्बन का एटॉमिक मास है, तुम कार्बन का 12 कार्बन का मास को पूछा था ये नहीं बोलते हो 12 AMU, तो एमयू मतलब एटॉमिक मास निकालने का क्या तरीका होगा रिलेटिव एटॉमिक मास ले लो उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा न्यूक्लियस yes. की संख्या यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा वो क्या कहलाएगा एटॉमिक मास कहलाएगा, क्या कहलाएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है yes, sir. इसके बाद में आता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अच्छा देखो जैसे तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले थे यहाँ पे क्या फॉर्मूला था
मास जिसका निकालना है, जिस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, उस एटम लेते थे और नीचे 1/12 और कार्बन के मास को रखोगे। तो सिमिलरली अगर एटम के जगह पे हम किसका निकालना चाहेंगे, यदि हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास को, तो जिसके जिसके मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा ना, उसके मॉलिक्यूल को ऊपर रखो, कहाँ रखोगे, ऊपर, और नीचे डिवाइड कर दोगे कार्बन 12 के मास को, मतलब 1/12 कर दोगे कार्बन के एक एटम के मास से, मतलब वही फॉर्मूला सेम ही है यार। अरे कार्बन क्या होता है, कार्बन 12 लड्डू में टूटता है ना, कार्बन जो है 12 लड्डू में नहीं टूटेगा, तो नीचे क्या रखोगे, 12 नहीं रखोगे और उसको 1/12 से डिवाइड नहीं कर दोगे, बताओ। अरे हाँ तो वैल्यू नहीं आएगी क्या, बोले सर 1/12 इंटू कार्बन का वन एटम का मास, तो सर वन एटम का मास तो 1.99 इंटू 10। हाँ, मास ऑफ 1 C12 एटम यहाँ पे लिखा हुआ है, यही था जो तुम बोल रहे हो, मास ऑफ 1 C12 एटम, वही। तो जब इसको तुम ये करोगे तो देखो MU ही आ जाएगा, देखो 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम, तो इसी को तो MU बोल रहे थे जी सर, नहीं बोल रहे थे, तो यही तो तुम्हारा फॉर्मूला भी डाला हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू, देखो मास जिसका मास निकाला है डिवाइडेड बाय MU, तो ये जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो इसी के लिए तो हम यहाँ पे लिखे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास में 1 MU से मल्टीप्लाई, ये इसी से डिराइव हुआ है। मॉलिक्यूलर मास कैसे, देखो ये फॉर्मूला में क्या, देखो इसी, ये क्या है, कुछ नहीं है, MU ही तो है नीचे, ये ऊपर जाएगा इधर, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं भाई। हाँ, और ये देखो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल लोगे, रिलेटिव एटॉमिक मास से 1 MU को मल्टीप्लाई कर दो, अरे आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा क्या रहा MU के बारे में, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, दोबारा बता दीजिए ये वाला, दोबारा बताना है, देखो रिले, अरे ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं ना है, ऊपर वाले में नो सर, इसमें दिक्कत नहीं ना है मनीषा, उसको ऊपर रखो और नीचे जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है, हम आज के डेट में हम कार्बन के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो नीचे कार्बन के एक एटम का मास रखो और उसको 1/12 से डिवाइड कर दो। क्यों 1/12 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कार्बन 12 लड्डू में टूटता है, ठीक है, यस सर। और फिर ये कुछ नहीं, ये क्या है, MU है, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, ज्यादा दिमाग को बर्डन मत डालो, बस ये ध्यान रखना मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होता है वही होता है, लास्ट में MU लिख देना। जैसे तुमको एक मैं ये पूछता हूँ, तुम इसका बताना, H2SO4 क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका H2O, 3 हो गया CO2, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ जल्दी से, तीनों का मॉलिक्यूलर मास चैट बॉक्स में लिखो जल्दी, H2SO4, H2O और CO2 का मॉलिक्यूलर मास आप चैट बॉक्स में लिखो क्या होगा। देखो मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं होता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को काउंट करते हैं, यानी कि जो एटॉमिक मास है, और उसमें लास्ट में MU लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं है। एक एग्जांपल मैं बता दे, देखो CO2 का कोई मॉलिक्यूलर मास होगा तो क्या होगा बताओ, H2SO4 का 98U है और हाँ? और इसका दूसरा नंबर H2O का है सर 16 और उसका बता 16 सर 14 होगा तीसरे का, अरे गलत बता रहे हो, पहला तो सर, सही है, पहले का 82 है, H2O का 18 है और CO2 का 44 है, हाँ ये सही बताया आपने, यस सर, पहले वाला का 98 है, दूसरे वाला का 18 है और तीसरे वाला का 44 है, भाई राजू कुमार क्यों गलत हो गया सर, वो गलत लिख दिए थे, वो गलत लिख दिए थे, ठीक है। तो देखो ये कहते हो कैसे निकालते हैं, देखो हाइड्रोजन का क्या होता है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं 1 × 2 और ये क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 98, ओम जी का सही है, ठीक है। फिर कार्बन क्या हो जाएगा 12, दो ऑक्सीजन का क्या 16 × 2 = 32, तो ऐड करोगे तो 44 हो गया, और H2SO4 का क्या होगा, दो का यहाँ 32 और यहाँ पे 16 = 32 = 64, तो क्या हो जाएगा,
सर आपने H2O का गलत लिख दिया सर। यस सर। अरे H2O का 18 होगा। यस सर। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। देखो ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास है, कब का लगेगा जब इसके लास्ट में यू या AMU लिख दोगे। क्या लिख दोगे? यू या AMU। AMU तब जाके ये क्या कर लेगा मॉलिक्यूलर मास। तो ये फॉर्मूला जो ऊपर था ये सब ठीक है, ये पढ़ने के लिए थ्योरी के लिए अच्छा था, बस बाकी आज निकालने के लिए उतना बर्डन नहीं लेना है। सीधे उसका क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास कोई पूछे तो वो जो तुमको मैंने होमवर्क दिया है वो जिसमें तुमको क्या लिखना है हाइड्रोजन वगैरह का तुम याद करोगे ना, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का निकाल देना लास्ट में, AMU या यू लिख देना। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया। देखो यहाँ पे एटॉमिक मास क्या हो गया, 16 AMU नहीं हो गया। और देखो AMU लिखने से आसान है एक्चुअली, AMU का वैल्यू देख लो, इतना लिखने लगेंगे तो फिर बच्चा ही डर जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग, और फिर क्या हो जाएगा तुमको डर भी तो लगेगा भाई कितना डेंजर इक्वेशन आ गया। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ मोल। अच्छा मोल के बारे में कोई बता, कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज करो, तुम इसको बताना चाहते हो। सूरज आप बताओ तो मोल के बारे में। सूरज क्या हुआ, नेहा आप बताइए। सर वन मोल एक अमाउंट होता है ऑफ सब्सटेंस जिसके अंदर 6.022 इनटू में 10^23 एटम्स या मॉलिक्यूल या कोई भी एंटिटी या आयन होता है, मतलब वन मोल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी जो मास होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। चलो सही है। देखो ये जो है मोल जो होता है क्या होता है, एक मोल, देखो एक मोल को बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक ही नहीं है रूल की, हाँ ऐसे ही बता दें, मोल को आप अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो स्टैंडर्ड जो तरीका है जो हमें पढ़ना है, अगर वैसे तो सारे पढ़ने हैं, सब पढ़े सब पे आएंगे। क्या होता है एक मोल को हम कहते हैं, वन मोल इज डिफाइन एज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन एलिमेंट, मतलब 12 ग्राम कार्बन जो एलिमेंट है उसके मास में जितने एटम होंगे ना वो उसका वन मोल कहलाएगा। कितने मास में, तो कार्बन के 12 ग्राम, देखो कार्बन का, कार्बन क्या होता है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है ना, 12 यू होता है, 12 यू होता है। वन मोल क्या कर रहा है, वन मोल कर रहा है कि कार नंबर ऑफ एटम जो एटम प्रेजेंट होगा किसमें 12 ग्राम कार्बन में, मतलब 12 ग्राम में जो एटम प्रेजेंट होगा ना वो क्या कहलाएगा, वो उसका वन मोल कहलाएगा। सर ये क्या हो गया समझ में नहीं आया, तो देखो तुम्हें भी पता है एक कार्बन एटम का मास, अभी हम लोग ये पढ़े थे ना, ये ग्राम में पढ़े थे एक कार्बन एटम का मास 1.99 देखो, तो एक कार्बन एटम का मास कितना है, इतना, तो मतलब हम लिख सकते हैं ना कि इतना ग्राम जो है एक कार्बन एटम को कंटेन किया हुआ है, इतना ग्राम जो है वजन वो एक कार्बन एटम को रखा है, तो एक ग्राम कितना कार्बन को एटम को रखा होगा, तो इसमें से वन डिवाइड कर देंगे कि नहीं, वन अपॉन इस वैल्यू को। यस सर। अगर मान लो देखो 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम एक आदमी को दिया गया है तो एक ग्राम कितने आदमी को दिया जा सकता है, 100 अपॉन 100। ठीक है, 100 ग्राम अगर एक इंसान को, अगर तुम 100 ग्राम दे रहे हो, मान लो 100 ग्राम लड्डू एक इंसान को दे रहे हो खाने के लिए, तो एक ग्राम लड्डू कितने इंसान को दोगे, 1/100 तो वही होगा ना। तो देखो इतना ग्राम जो है कार्बन का मास कितने एटम में है, एक कार्बन एटम का मास इतना होता है, तो एक ग्राम मास कितना एटम को रखेगा, तो बस डिवाइड कर दो, और हमें क्या वन मोल क्या कहता है 12 ग्राम में कितना मास कितना एटम होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 6.022 × 10^23, और इसी को बोलते हैं Na, जो कि क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो एक बार देखो, एक बार मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, 1.99 × 10^-23 जो होता है ये क्या है, कार्बन के एक एटम का मास है ये। yes, sir. कार्बन ये इतना ग्राम किसका मास है, कार्बन के एक एटम का मास है, देखो कितना बहुत कम मास है ना, -23 में, यानी कि बहुत कम।
तो कार्बन के एक एटम का मास इतना है, तो हम कह सकते हैं नहीं नेटली कि इतना ग्राम मास कितना कार्बन का एटम रखता है, कार्बन का एक एटम रखता है, नहीं कह सकते हो इतना ग्राम मास कार्बन का एक एटम रखता है, तो एक ग्राम मास कितना एटम रखेगा, तो एक ग्राम मास हम कह सकते हैं ना वन अपॉन इतना एटम रखेगा, एक ग्राम मास वन अपॉन इतना एटम रखेगा, बोलो कह सकते हो कि नहीं? यस सर। और लेकिन वन मोल कैसे डिफाइंड होगा, 12 ग्राम के लिए होगा, किसके लिए होगा 12 ग्राम के लिए, तो यहाँ पे अगर 12 लिखोगे तो इधर भी 2a से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यस सर, तो यहाँ पे क्या करोगे 2a से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे ही 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 6.022 × 10⁻³। तो ये चीज याद रखना कि एक मोल में हमेशा इतना ही एटम होता है, एक मोल में हमेशा 6.022 × 10³ एटम होता है। अगर मान लो वो मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और एटम में अंदर पता है ना, मॉलिक्यूल जैसे क्या हो गया, यस सर, ग्रुप ऑफ हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम कह सकते हो, ठीक है, तो मॉलिक्यूल अगर कोई पूछे कि एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है तो इतना ही होता है, 6.022 × 10⁻³। और इसको जो है एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, और इसको डिनोट करते हैं Na से, इसे डिनोट करते हैं Na, तो याद रखना कैपिटल स्मॉल, आसान भाषा में पूछे कि वन मोल क्या होता है तो बोल देना कि जो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम रखेगा उसे वन मोल कहेंगे, जो कुछ भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या रखेगा, जो कोई भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम रखेगा उसे वन मोल कहेंगे, या जो कोई भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल रखेगा उसे क्या बोलोगे, वन मोल कहोगे, ठीक है, या पार्टिकल की भी बात करें, जो भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स रखेगा उसे क्या बोलोगे, वन मोल, वन मोल, वन मोल कुछ नहीं है, वन मोल वो है कि जो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम रखे, और एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 × 10³। तो यहाँ से मोल का एक फॉर्मूला निकलेगा, क्या फॉर्मूला निकलेगा, ये पहला फॉर्मूला आपका मोल का क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है, क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल आपको निकालने के लिए जो पार्टिकल आपका दिया है उससे एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड करते, जो भी आपके क्वेश्चन में पार्टिकल्स दिया हुआ है उससे एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर दो, जो आएगा वो मोल हो जाएगा, ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपके क्या दिया, मान लो इतना एटम और अच्छा जैसे ये देखो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर कोई एटम है, ठीक है, कोई अगर मान लो जिसमें कोई आपका एटम वगैरह है उसमें कितने ये तुम्हारे है, कितने पार्टिकल्स है, मान लो 6.022 × 10³ पार्टिकल या एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, और पूछ दे कि कितना बताओ ये कितना मोल हुआ, और मान लो क्वेश्चन में कह दे हाँ सोडियम जो है इतना एटम रखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछ दे कि इफ सोडियम कंटेन्स इतना एटम, यदि सोडियम इतना एटम रखा हुआ है तो सोडियम में कितने मोल है, तो क्या बोलोगे, कितना मोल हुआ इसका, अरे ये फॉर्मूला में डालो ना, 10⁻³ माइनस थ्री नहीं माइनस टू, माइनस टू, हाँ देखो ये फॉर्मूला, ये गिवन पार्टिकल सुनो, फॉर्मूला क्या है, गिवन पार्टिकल को ऊपर रखना है, तो गिवन पार्टिकल को ऊपर रखेंगे तो 6.022 × 10³ था ना, अरे 6.022 यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में 21 है और तुम्हें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर क्या है 10⁻²। तो मोल निकालने के लिए क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस जो आपका पार्टिकल का संख्या दिया हुआ है उससे उसको क्या करो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे, जो आपका पार्टिकल की संख्या दिया हुआ है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे, ठीक है, अरे बोलो, यस सर,
हम यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, वेट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड वन मोल, वही डेफिनेशन लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे है, अच्छा ये बताओ इतना जो है 6.022×10⁻³ एटम कैल्शियम कितना रखता है, एक मोल कैल्शियम के बराबर है, और एक मोल में कितना वजन होता है, 23 ग्राम होता है कि नहीं। अरे कैल्शियम का एटॉमिक वेट क्या होता है, 40 होता है ना, होती तो बोल रहा है इतना एटम जो है एक मोल रखा हुआ है कैल्शियम को, तो एक मोल और एक मोल कैल्शियम में कितने ग्राम होते हैं, तो 40 ग्राम वजन होता है, कितना वजन होता है 40 ग्राम। सिमिलरली एक मोल सोडियम का वजन क्या है, 23 ग्राम है, और एक मोल सोडियम कितना एटम रखता है, 6.022×10⁻²। तो ये ध्यान रखना एटम जो जब भी पूछेगा कि हाँ एक मोल कितना एटम रखता है, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम रखता है, ठीक है। अरे बोल के दिक्कत, ओके सर, ये एवोगैड्रो नंबर पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएगा, पहली पहली बार आ रहा है, ये फिर से बता दे क्या, देखो मोल जो निकालना होगा ना, मोल निकालने के लिए क्या करना, जो तुम्हारा पार्टिकल्स दिया होगा उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, जो तुम्हारा पार्टिकल्स दिया रहेगा ना उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, जो आएगा वो तुम्हारा मोल कहलाएगा। ये क्वेश्चन मैं तुमको नीचे दिखाता हूँ स्लाइड में, उसको तुम सॉल्व करना आ जाएगा, देखो सेकेंड क्वेश्चन कहाँ गया, जैसे यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है डी नंबर, अगर इसका मोल कोई पूछेगा तो क्या होगा, देखो मोल अगर निकालने के लिए तुम्हें कहोगे 10⁻⁷ मोल, देखो एक सेकंड इधर देखना, मोल के लिए क्या करते हैं, जो गिवन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, गिवन मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 6.022×10⁻², क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, तो 20 ये गिवन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और हमको इसको किससे डिवाइड करना है, मोल निकालने के सर 0.2 है सर, अरे 0.2 है या फिर एक और 2 लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, लो ठीक है खुश सर, 10⁻⁵ हाँ 10⁻⁵ सुनो मोल निकालने क्या तरीका होता है, 6.022×10⁻²² से डिवाइड करके, ये फिक्स है, ये नीचे वाला वैल्यू फिक्स है, क्या है फिक्स है, हमेशा यही रहेगा, और ऊपर तुमको गिवन रखना है, एक ध्यान रखना जब भी मोल निकालोगे ये ना तो हमेशा ऊपर गिवन जो तुमको दिया रहेगा उसको ऊपर रखना, और नीचे स्टैंडर्ड एक फिक्स वैल्यू रखना, नीचे क्या रखना एक फिक्स वैल्यू को आप कहाँ रखोगे नीचे, नीचे तो देखो जब इसको कटाओगे जो बच्चा का डाउट था वो देखेगा, जब इसको कटाओगे तो ये कट जाएगा 10⁻², कट जाएगा क्या बचेगा 10⁻⁰, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 10⁻⁻², और 10 या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं ना 1/10 यही है ना, यस सर यस सर, तो कितना मोल हो गया ये 0.1 मोल, 1 मोल आया क्या समझ में, जिसको नहीं आया था उसको समझ में आया क्या, जिसको डाउट था सर एलिमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे ये तो फिक्स है ना, ये क्या है फिक्स है, नीचे हमें से देखो ना फॉर्मूला में क्या था, गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो इसमें क्या फर्क है, मैजिकल नंबर है क्या, तो एक तरह से मैजिकल नंबर है, हाँ मैजिकल नंबर तुमको अगर लग रहा है तो बोल दो, हालांकि एक तरह से क्या है फिक्स नंबर है, ये चेंज नहीं होगा, क्या होगा ये परमानेंट फिक्स नंबर है, ठीक है आया समझ में, यस सर, ओके तो आया तो समझ में, तो अब आते हो नंबर ऑफ, देखो मोल निकालने का एक और तरीका होता है, मोल निकालने का एक और तरीका क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, जो आपका मास दिया हुआ है ना उसको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, जैसे अभी तुम निकाले थे और मान लो जैसे H2O का तुमने क्या बोला था, अभी H2O का तुमने बोला था 18 और मान लो कोई पूछे कि 9 ग्राम वाटर कितना मोल के बराबर है, 0.5 मोल, हाँ बिल्कुल सही, देखो 9 ग्राम कोई वाटर पूछ दे कितना मोल के बराबर है तो क्या लिखोगे,
गिवन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5, तो 1 मोल निकालने का क्या तरीका होता है, जो मास दिया है उसको ऊपर रखो और नीचे किससे डिवाइड कर दो, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे देखो 1 मोल H2SO4 में कितना मास होगा, तो 98 अभी तुम कैलकुलेट किए थे, K2Cr2SN का भी वैसे ही कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आएगा 294 आएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। 294 कैसे आ जाएगा, वो तुम्हारा आएगा जब तुम वो 30 तक लिखोगे ना, गिवन मास होगा जो, अरे वो 30 तक लिखना है तुम्हें, यस सर, हाँ, तो उसमें तुम लिखोगे पोटेशियम कितना होता है के का 19 सर, 19 सर, 19, अरे 90 तो तुम्हारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर ना होता है, 39 होता है, तो इसका क्या होता है 39 इनटू क्या आ जाएगा, 2 करोगे तो क्या होगा 78 होगा कि नहीं, यस सर, और ऑक्सीजन क्या होता है 78, ऑक्सीजन का सर 16 होता है, 128 अक्रोमियम में कितना हो जाएगा सर, क्रोमियम का 52 होता है, ये फिक्स होता है, ये आप ये करके भेजना मेरे को, और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो हाँ, तो इसका 104 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा, 294 ग्राम आएगा। तो 1 मोल K2Cr2OCN में कितना वजन आता है, 294, कितना वजन होता है 294 ग्राम। तो ये अच्छा, अब ये क्वेश्चन अगर पूछ ले, अच्छा 294 ग्राम एक मोल में, तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ भाई 10 ग्राम K2Cr2O7 में कितना मोल है, 10 ग्राम K2Cr2O7 में कितना मोल है, तो कैसे निकालोगे, मोल कैसे निकालोगे, 10 को ऊपर रखोगे नीचे 294, और जो आएगा वो इतना मिलेगा, बोलो, यस सर, अरे ठीक है, यस सर। तो देखो ये मोल निकालने का एक दूसरा देख रहे, इसमें भी एक चीज तुमको देख रहे हो, जो दिया हुआ है उसको ऊपर रखना है और नीचे एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स है कि नहीं, यस सर। तो जो दिया मॉलिक्यूलर मास, हाँ, जो दिया हुआ रहेगा उसको हमेशा ऊपर रखना है मोल निकालने में, और जो नीचे जो रखना है वो फिक्स वैल्यू को रखना है, नीचे क्या रखना है उसका फिक्स वैल्यू मॉलिक्यूलर मास, जैसे वहां पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में तुम रखे थे एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पे मास को रखना है, मास को क्यों रखना है, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन है मास ही दिया हुआ है। अच्छा ये बताना 22 ग्राम CO2 कितना मोल के बराबर है, 0.5 मोल। देखो 22 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है अगर मान लो 22 ग्राम, यानी कि ऊपर क्या लिखोगे 22 और नीचे सर, हाँ 44, क्वेश्चन में नीचे क्या लिख दोगे 44, ये फिक्स है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास फिक्स है, नीचे हमेशा फिक्स वैल्यू, ऊपर जो दिया हुआ है, ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। एक तीसरा क्या हो गया, बोल फिर से बोलिएगा, आपका आवाज नहीं आ रहा मनीषा, अरे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मनीषा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर उनका कहने का मतलब है कि इन्हें याद करना जरूरी है, हाँ ये फॉर्मूला नहीं याद, ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर कैसे होगा, कैसे मोल, अगर मोल ही नहीं निकालने आया तो मोल कंसेप्ट कैसे पढ़ोगे, और मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे, सारा फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये एक जो छोटा सा वर्ड है ना मोल, इसी पे टिका हुआ है, अगर किसी बच्चा को ये मोल नहीं निकालने आया तो उसका केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है, इससे चाहे वो छोड़ दे, संन्यास ले ले केमिस्ट्री से, मोल जो है ये केमिस्ट्री का बेसिक, मोल हमेशा ग्राम में आएगा ना, मोल हमेशा ग्राम में कैसे आएगा, ये तो ग्राम ग्राम कट गया, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, तो ग्राम तो ग्राम कट गया ना, मोल यूनिटलेस होता है, मोल का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, अरे ऊपर तुम देखो ना यहाँ पार्टिकल पार्टिकल आ रहा था, ऊपर क्या आ रहा था पार्टिकल पार्टिकल, तो पार्टिकल पार्टिकल कट के, ठीक है, तो मोल का बस यही होगा कि 1 मोल 2 मोल 10 मोल ऐसे ही चलेगा, ठीक है, पीछे मोल लिख सकते हैं,
हाँ मोल लिख सकते हो, ऐसे लिख दो पांच मोल, पीछे मोल ही लिख दो, ठीक है ग्राम ग्रुप में। चलो अब तीसरा फॉर्मूला आता है मोल निकालने का, पीवी। देखो एक फॉर्मूला आता है पीवी बराबर एनआरटी। यहाँ पे पी क्या है, पी होता है प्रेशर, प्रेशर वी क्या होता है, वी होता है वॉल्यूम, एन क्या है मोल, नंबर ऑफ मोल, आर एक गैस कांस्टेंट है जो कि जिसका वैल्यू क्या होता है फिक्स होता है, ये फिक्स है 0.0821 या 8.314। ये देखो ये एटीएम लीटर मोल केल्विन इनवर्स में और ये जूल मोल केल्विन इनवर्स में, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में। तो ये खैर ये वैल्यू पे अभी तुम उतना ये जोर मत दो, ठीक है अभी एक बस तुम जान लो कि हाँ एक फॉर्मूला होता है पीवी बराबर एनआरटी, टी क्या हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा। फिलहाल इस चैप्टर में तुम्हारा ये फॉर्मूला का उतना यूज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कभी आ गया यूज, लेकिन ये जब एक चैप्टर होगा गैसीय सिस्टम या एक चैप्टर 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स उसमें ये होगा। एनआरटी क्या होता है, इन मोल है, इन क्या है मोल है, तो वही देखो मोल निकालने का, देखो इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, एन इज इक्वल टू क्या होगा पीवी बराबर डिवाइडेड बाय आरटी नहीं हो जाएगा। सर आरटी क्या है सर, आर टी फॉर टेम्परेचर, आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, जीरो दो वैल्यू है इसके 0.0821 जब यूनिट क्या हो एटीएम लीटर हो और 8.314 जब यूनिट क्या हो जूल हो जाए। तो जूल में बात करोगे तो इसका यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट अगर जूल में बात करोगे तो 8.314 और आर का अगर यूनिट एटीएम लीटर में बात करोगे तो क्या होगा 0.0821 एटीएम लीटर में, ठीक है। तो ये वैल्यू फिक्स होता है, अभी इस वैल्यू पे ज्यादा मत जोड़ दो, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हो, ये तुमको हालांकि आगे चल के ये वैल्यू तुमको याद ही हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम ये जानो कि मोल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है मोल निकाल के पीवी को आरटी से पीवी बाय आरटी, हाँ पीवी बाय आरटी, कैसे तुम देखने को पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो एनआरटी में ये आरटी अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो एन क्या और एन क्या है, एन आपका मोल है, ठीक है। अरे बोलिए, यस सर, यस सर। अब देखो एक अगला फॉर्मूला है, ये आपका इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कौन सा हो गया चौथा और ये हो गया पांचवा। देखो मोल जो है निकालने का एक तरीका है वॉल्यूम ऑफ गैस, और मान लो किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो गैस का वजन नहीं ना देगा, मतलब गैस को क्या रखते हैं हम बर्तन में रखते हैं ना, एक वेसल में रखते हैं कि, अरे एक गैस को कहाँ रखना ज्यादा आसान है, एक मान लो एक तुम गुब्बारे में रख दो, एक बर्तन में रख दो, ऐसे करके रख सकते हो सर गुब्बारे में, हाँ तो गैस का क्या होता है जनरली हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, गैस का वॉल्यूम मेजर करते हैं ना कि कितना ये जगह ऑक्यूपाई किया है करते हैं। तो गैस का अगर मोल निकालना होगा ना तो जो वॉल्यूम दिया रहेगा ना उसको ऊपर लिखना, और हमेशा बोले हाँ गिवेन वॉल्यूम, देखो ऊपर हमेशा गिवेन वाले चीज को ऊपर रखना है और नीचे हमेशा फिक्स चीज को रखना है, देखो ये फिक्स है, नीचे क्या रखना है फिक्स को रखना है और ऊपर गिवेन को रखना है। तो मोल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, मोल इफ मोल वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो मोल कैसे निकालोगे, जो वॉल्यूम दिया है उस वॉल्यूम को ऊपर रखो और नीचे 22.4 से डिवाइड कर दो। सर ये एसटीपी और आरटीपी क्या है, ये बता रहे हैं वहां पे आ रहे हैं, अब यह वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। अब तुझे सर एसटीपी क्या है, तो एसटीपी का फुल फॉर्म कौन रखता है तुम बता सकते हो, एसटीपी का फुल फॉर्म सर, नहीं सर कोई नहीं बता पाएगा, तो कंप्रेस्ड लग रहा है कंप्रेस्ड। देखो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और आरटीपी का मतलब कहता है रूम टेम्परेचर प्रेशर। अब ये रूम टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर 180 एटीएम। अरे हमारे प्रेशर कितना लगता है हमारे ऊपर, 180 एटीएम प्रेशर लगता है कि नहीं, यस सर। तो प्रेशर 180 एटीएम हो और क्या हो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। सिमिलरली यहाँ पे एसटीपी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, बस प्रेशर तो 180 एटीएम रखना ही है, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर दो,
जीरो डिग्री सेल्सियस और 180 प्रेशर, जीरो डिग्री सेल्सियस और 180 प्रेशर। तो यदि जीरो डिग्री सेल्सियस पे अगर तुम्हारा वॉल्यूम दिया हुआ है ना किसी चीज का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22/4। और यदि आरटीपी में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 24.4। आरटीपी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दो, 24.4। इस तरह तुम डिवाइड कर दो, तुम्हारा मोल आ जाएगा। अब तुम ये सोच रहे हो सर क्या कि ये 22.4 यहाँ पे 24.4 है, तो यहाँ ज्यादा क्यों है यहाँ कम क्यों है। देखो तुम ये बताओ, तुम बता सकते कि टेम्परेचर से कम होता है और वो ज्यादा। अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्यों? यस सर बढ़ेगा सर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है? यस सर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है ना, आरटीपी पे टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसटीपी पे तो जीरो टेम्परेचर है ना, एसटीपी पे आपका टेम्परेचर जीरो है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या है, आरटीपी पे टेम्परेचर 25 है। तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए वॉल्यूम ज्यादा से डिवाइड होगा, यहाँ टेम्परेचर कम है तो इसलिए कम से डिवाइड होगा। ध्यान रहेगा किसमें 22.4 और किसमें कितने। अरे बोलो। और ये यस सर। हाँ तो एसटीपी के पे किससे डिवाइड कर देना, 22.4 और आरटी पे 24.4। ठीक है, ये आगे बढ़ा जाए क्या? यस सर। सर एक एग्जांपल लेके समझा दो सर। अगर मान लो अगर वॉल्यूम का गैस, अगर मान लो दिया हुआ है ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है, कह रहा है इफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कितना 48.4 लीटर। देखो ये वॉल्यूम किसमें, लीटर में, 48.4 नहीं 48.8 लीटर अगर दिया हुआ है। अगर मान लो टू आ जाएगा, टू मोल, हाँ बिल्कुल सही। अगर कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है 48.8 लीटर ऑक्सीजन तुम लिए हो, मतलब ऐसे बोल दे कि एक गैस सिलेंडर है जिसमें 48.8 लीटर ऑक्सीजन है, और पूछे कि बताओ कितना मोल हुआ ऑक्सीजन का, तो क्या बोलोगे, ये गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है इसको, और सर एसटीपी पे है गिवन वॉल्यूम पे, अरे आरटीपी पे सुनो, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा ना क्वेश्चन में तो तुम आरटीपी पे मान के चलो, आरटीपी पे है, ठीक है, आरटीपी मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, ओके सर, तुम्हारा 48.4 डिवाइड करोगे 24, गिवन है उसको ऊपर रख देंगे और ये नीचे फिक्स वैल्यू पर आ जाएगा, जो गिवन है उसको ऊपर रखोगे और नीचे रख दोगे जो फिक्स है, फिक्स क्या है 24.4, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 मोल, 2 मोल। यहाँ तक किसी को तो बताओ, एग्जांपल देना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर स्पेसिफाई करेगा ना एसटीपी वो करेगा, स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो, वो आपका स्पेसिफाई करेगा। तो ये था आपका मोल निकालने का तरीका, 5 तरीका हमने पढ़ा, एक बार मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या। सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है नंबर उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, जब गिवन पार्टिकल हो, हाँ पार्टिकल हो या एटम हो या मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एटम, तीनों में से कुछ भी हो उसको किससे डिवाइड कर दो, एवोगैड्रो नंबर से, तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, मोल का। फिर दूसरा तरीका होता है कि जो मास दिया हुआ है ना उसको एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं, तो वो तुम्हारा निकल जाएगा, यस, ठीक है। तीसरा तरीका था पीवी बराबर एनआरटी वाला, ठीक है, ये अभी उतना आपको यूज नहीं पड़ेगा, बस एक दिमाग में रखो पीवी बराबर एनआरटी का कुछ होता है, ठीक है। चौथा तरीका ये आपके काम का है, इसमें अगर वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे दिया हुआ है तो 22.4 से डिवाइड कर दो, और आरटीपी पे 24.4 इसे डिवाइड कर, यस सर। तो ये रहा इसका पहला क्वेश्चन, आप मैं बताता हूँ बाकी दोनों क्वेश्चन आपको करना है। आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल सब सब कोई कलम वलम ले लो, अब मतलब थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
अब आज की क्लास में जो भी टाइम बचा है इसमें बस क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ए नंबर मैं बता रहा हूँ, बाकी सब आपको करना है। पहले वाला लग रहा है ना एवोगैड्रो नंबर से जो होगा उसके जैसा लग रहा है ये। हाँ तो रुक जब मैं बताता हूँ। देख सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो मॉलिक्यूल्स निकालने से पहले तुम क्या करो, मोल निकाल लो। कोई भी चीज होगा देखो मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले तुम बिना कुछ सोचे से हमें मोल निकाल देना, फिर आगे का आगे देखेंगे क्या करना है। तो मोल निकालोगे तो मोल निकालने के लिए देखो ये मास दिए हुए तो कौन फॉर्मूला लगेगा, वजन देख के तुमको कौन फॉर्मूला लगेगा मोल की बताओ। मोलिकर मास वाला। गिवन वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, यही होगा ना फॉर्मूला लगेगा। गिवन वेट कितना दिया हुआ है 2.33 ग्राम। हाँ और मॉलिक्यूलर वेट, अब क्वेश्चन आता है कि सर मॉलिक्यूलर वेट तो नहीं पता है सर, तो पहले का 10^-1 मोल आएगा। अभी देखते हैं, देखो BaSO4 का अगर मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16, 16, 32, 32, 64 होगी। इसका क्या होगा 32 होगा। बैरियम का कोई बता सकता है क्या, बैरियम का 137 होता है, क्या होता है 137। अब इसको तुम ऐड करोगे ना तो क्या आएगा 233 आएगा, क्या आएगा, अब इसको ऐड करोगे तो 233 आएगा। अरे बोलो भाई। यस सर। ये 233 आया तो नीचे मॉलिक्यूलर वेट 233 लिख दोगे। यस सर। ये कटाओगे तो क्या आएगा 1/100 आ जाएगा सर 0.01। हाँ तो 0. इसको क्या लिखते हो 1/100 आ जाएगा, लेकिन ये मोल आया, मोल जब भी है ना तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या होता है पार्टिकल 6.02 × 10^21 है। हाँ यही आंसर होगा, नहीं आप सही बता रहे हो। जब भी मॉलिक्यूल्स पूछेगा ना तो क्या करना, तुम मोल निकाल देना और इसमें क्या करना एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, बस कुछ नहीं करना है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स होता है 6.022 × 10^23 और इसको डिवाइड करोगे 100 से तो ये कटेगा, क्या बचेगा 6.022 × 10^21 यही आंसर हो जाएगा आपका। आया समझ में अरे मल्टीप्लाई कहाँ की है भैया, देखो ये तो आया है मोल, ये क्या है मोल है ना, तो जो मोल आएगा उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल क्या है 1/100 है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। देखो मोल का डिफिनेशन क्या होता है, बोलता है एक मोल क्या होता है, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अच्छा सर, जब इन्हें पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हमेशा पार्टिकल में कन्वर्ट करो, एटम में कन्वर्ट करो, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो, ठीक है एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि देखो मोल का डेफिनेशन याद करो क्या होता है, याद देखो मोल का डेफिनेशन बोले है ना, एक मोल क्या होता है, एक मोल वो चीज है जिसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम हो। एक मोल क्या होता है जिसमें 6.022 × 10^23 एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल हो। एक मोल का मतलब ही होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम मॉलिक्यूल या पार्टिकल, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। तो बस यस सर, मॉलिक्यूल वगैरह आएगा ना तो क्या करोगे आप, क्या करना उसको क्या कर देना 6.022 × 10^23 मोल निकाल के एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, मोल निकाल के एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो चलो मोल अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसका अगला क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन तो 3.011 × 10^23 इसका जो मोल निकाला तो 0.5 मोल आ रहा है, जब उसको इनटू करा एवोगैड्रो नंबर से तुम्हारे पास 3.011 × 10^23 मॉलिक्यूल्स आ रहा है। हाँ सही बता रहे हो नेहा, आप सही बता रहे हो सर। अरे वही तरीका है, देखो बी कैसे है, सबसे पहले इसका मोल निकालो। इसका मोल कैसे निकालोगे, तो इसका मोल निकालने का तरीका यही होता है ना, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट।
गिवन वेट क्या है, वी आर 53, और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, सोडियम का क्या होता है 23 होता है ना, एक सोडियम का, देखो एक सोडियम का क्या होता है 23, दो सोडियम है तो 23 × 2, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 48, ठीक है। तो ये तुम करोगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा 100, क्या आ रहा है 106, तो मोल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कटेगा तो 0.5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और जैसे ही मोल आया तो ये मॉलिक्यूल निकालेंगे क्या होता है, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते मॉलिक्यूल आ जाएगा। हाँ ओम जी सही बता रहे हो आप, तो ये आपका मॉलिक्यूल आ गया, कितना मॉलिक्यूल आ गया 3. ठीक है, अरे बोलिए। यस सर, यस सर, चलो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। रिवर आयरन का बता देते, क्या 10^20 आ रहा है, अरे कमेंट बॉक्स में डालो यार, नहीं पता चल रहा है कौन क्या बोल रहा है। 21 प्रतीक, ये इसका आंसर बोले हो क्या, सही बता रहे हो। यस प्रतीक के आंसर सही है, और अच्छा प्लीज जाके भी आंसर सही है। प्रशांत, प्रशांत की भी सही है। देखो ये देखो तुमको यहाँ पे दिक्कत, जानते हो कहाँ हो जाता, तुम्हें दिक्कत हो रहा होगा एफी का, तुम्हें मास नहीं पता होगा, एफी का मास होता है 56, क्या होता है 56, और कार्बन का क्या होता है 12 × 24, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 64, चार ऑक्सीजन है ना, तो बस इसको निकाल दो, 1.44 दिया हुआ है, तो क्या करोगे गिवन वेट करोगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट क्या दिया हो गया है 1.44 दिया हुआ है ना गिवन वेट, yes, तो ऊपर क्या लिखोगे 1.44, और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, तो जैसे 144 आएगा तो मोल निकालोगे तो 0.01 आ जाएगा, नहीं क्या क्या आ रहा है भाई 1/100 आ जाएगा, 1/100 ही आएगा ना, और फिर जैसे ही मोल आया ये क्या आया मोल आया, मॉलिक्यूल निकालेंगे क्या करोगे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई सर ऊपर वाले के जैसा सेम नंबर, हां सेम आ जाएगा, ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलेगा, ये तीनों क्वेश्चन सर आ गए, आ गया ना, तो अब अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करो इसको, सर कुछ होमवर्क भी देना, क्या कुछ सर होमवर्क, हाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व तो करो, अगला दो होमवर्क कर लेना, पहला क्वेश्चन सॉल्व तो करो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ भाई जल्दी सर, 0.1 मोल, मोल नहीं पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम, एटम सर 22 वो तो तुम क्या बता रहे हो, मॉलिक्यूल बता रहे हो, लेकिन ये देखो क्या कर रहा है एटम बताना है, ध्यान से पढ़ो ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे आप 3.011 × 10^22 एटम बताया, देखो सुनो क्या कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, एटम बनाना है तो बस वही तरीका, सबसे पहले कुछ भी हो मोल निकाल दो, तो मोल निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर 1/10 आ जाएगा मोल, तो सर 1/10, हाँ मोल कितना आएगा देखो, ये कार्बन क्या होता है 12, कार्बन का होगा 12 तो 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 प्लस में 12 96 सर 96 96 तो इनका जोड़ 180 हो जाएगा, 180 तो और गिवन मास क्या दिया हुआ है 18 मास दिया हुआ है 180 आ गया, मोल मोल की बात करें तो 1/10 यानी कि 0.1 क्या है मोल है, लेकिन क्वेश्चन है मोल पूछ रहा है क्या, नहीं ये एटम पूछ रहा है, तो एटम पूछ रहा है तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि एक मोल में कितना एटम,
तो बताओ ये जो फॉर्मूला है इसके एक मोल में कितना एटम तुम्हें दिख रहा है, काउंट करो तो। हाँ, एक मोल में 24 क्या है एटम, एटम एटम। और एक एटम का अगर ये अगर बोले थे ना स्टार्टिंग में एटम निकालना रहे, मोल मॉलिक्यूल निकालना रहे या पार्टिकल निकालना रहे, एवोगाड्रो नंबर तो मल्टीप्लाई करना ही है, मल्टीप्लाई करना। तो एटम निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 24 से मल्टीप्लाई करोगे मोल जो है सबको, क्या करोगे एटम निकालने के लिए ना, देखो किसको 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 में एटम इनटू क्या करोगे मोल इनटू एनए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। एटम कितना है यहाँ पे 24 है, क्या लिख दोगे 24, मोल कितना है 0.1 है, अरे मोल कितना है भैया 0.1, और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इनटू 10^23। तो ये सब करोगे कटाव उठा के तो क्या आ जाएगा 144.528 और क्या जाएगा 10^22 नहीं ये देखो ना पॉइंट है ना, तो कट के 22 हो जाएगा। तो इतना एटम हुआ, सोचो ये जो 18 ग्राम जो तुम लिए हो C6H12O6 इसमें कितने एटम हैं, इतने सारे एटम हैं जो कि आपको दिख नहीं रहे, देख रहे हो 10^22 एटम, बहुत ज्यादा नहीं हो गया यार। अरे बहुत ज्यादा ही एटम हो गया, कितना एटम हुआ इतना ज्यादा एटम, तो सिमिलरली ये निकल जाएगा और तीसरा हो जाएगा। अरे ये दोनों तुम्हारा घर से ये कर लोगे बी और सी, बताओ कि समझा yes, किसी को नहीं समझ आएगा तो बताएगा सर, एक बार समझा देना बस सर, इसमें एटम कैलकुलेट करने का काउंट करके। सुनो जब भी बता रहे हैं, जब भी पूछेगा ना तो एटम्स पूछेगा तो तुम क्या करना सबसे पहले देखो चैप्टर मोल के साथ पढ़ रहे हो तो मोल निकाल देना, और मोल निकाल देना तो उसके बाद में तुम क्या करना मॉलिक्यूल्स भी निकाल देना। तब मुझे सर थर्ड समझ भी नहीं आ रहा है उसका, क्या थर्ड थर्ड नहीं समझ आ रहा, ये क्वेश्चन नंबर सी। यस सर, को एक सीख से ही मैं तुमको फिर समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सी से ही आपको समझा देता हूँ। इसमें 12 ही लेना है ना, बस सी में 12 को इनटू करना है ना, सारे ऐड नहीं करने, सिर्फ 12 को इनटू करना है, क्योंकि यस यस सही बोल रहे हो, इसमें केवल 12 को ही इंक्लूड करना है, यानी कि कार्बन कितना है बताओ इसमें 12 है ना, तो क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई किए होते ना, लेकिन यही अगर मान लो इसमें कार्बन पूछता तो क्या होता है 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। समीक्षा आपका बी आंसर आया है कितना 1121 करके, कितना आया है मेरा बी का 264.968 इनटू में 10^21 246 आई थिंक रॉन्ग सर, 6.98 इनटू 10^22 अरे इसको घर पे करना, और तुम इसको भी नहीं हुआ तो WhatsApp पे भेज देना, ठीक है सर। 8 मिनट से सुनते जाओ ना सर, सेकंड का सुनो तुम। हां बताओ सेकंड का 27.09 देखो, अरे उसी तरह निकाल लेंगे ना, सबसे पहले देखो देखो सबसे पहले मोल निकाल लेना, क्या निकाल लेना सर 1/100 आएगा मोल, हाँ 1/100 आएगा, बिल्कुल सही मोल क्या, ये सब काम करोगे क्या 342 आता है, तो मोल निकालोगे तो क्या 3.42/342 तो मोल क्या जाएगा 1/100। yes, और तुम्हें पता है मोल आ गया तो एटम निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से तो मल्टीप्लाई करना ही था। yes, एटम जितने भी हाँ, तो निकल, निकल, कर देंगे। लेकिन वो तुम्हारा एटम्स निकल जाएगा मोल के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब इसका ये क्या करा टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा ना, तो इसमें तुम काउंट कर लो कितना एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, तो 22, 12 और 11 मिल जाएगा टोटल। सर मेरा दूसरा आंसर आ रहा है सर, 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना सर, मेरा 566.62 इनटू में 10^-21 आ रहा है, किसका सर मेरा कौन सा क्वेश्चन का, अरे कौन से क्वेश्चन का, हाँ प्रातिक तुम्हारे सही है, तुम्हारे सही है, अरे क्या हो गया, क्या वो लिख रहे हो यार तुम,
प्रातिक 27.099 इनटू चाहिए। अरे ये तो आसान है ना, देखो ये क्या करना है, सुनो सुनो क्या करना है, मोल निकाल लेना, उसको क्या कर देना, उसको तुम मल्टीप्लाई कर देना एवोगैड्रो नंबर से, और फिर एटम चेक कर लेना कितने एटम है। सर सेकंड वाले का ही आया ना। हाँ, अगर मान लो ये पूछा था सेकंड वाले में कि कार्बन एटम बताओ, तो ये 45 की जगह पे तुम क्या लिख देते, 12 लिख देते, क्यों, क्योंकि कार्बन कितना है 12 है। यदि हाइड्रोजन पूछता तो क्या लिखते, 22 लिखते, ऑक्सीजन पूछता तो क्या लिखते, 11 लिखते, बोलो कोई दिक्कत। तो इस तरह से तुम क्या निकाल सकते हो, एटम की संख्या निकाल सकते हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यस सर हो जाएगा, हो जाएगा। इसका आंसर बता दो एक सेकंड के लिए। सर सेकंड का आंसर क्या है सर, अरे लिख दे रहे हैं, देखो यही है समीक्षा का आंसर, सही है सर मेरा। अब तो तुम्हारे भी सही होंगे फिर, ये तुम्हारे भी सही है, जिसके ये आंसर है ना 270.99 × 10^21 वो सही है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। एक और ऐसे चेक कर लेना, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, चेक कर लेना सर। यहाँ पर 21 कैसे आ जाएगा, अरे कट नहीं देगा, देखो 100 सबसे पहले तो 45 सबसे सर, पहले आंसर क्या है, अरे आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे 270.99 × 10^21 सबसे पहले। एक मिनट सुनना, हाँ बताओ। 1/100 × 45 है, तो 45 को जब डिवाइड करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/20 आ जाएगा, और जब 9/22 को, अरे क्यों कर रहे हो वो सब, तो सुनो उतना कॉम्प्लिकेटेड डिवाइड मत करो। देखो मैं करके बता रहा हूँ कैसे करना है, 1/100 है, फिर क्या करना है 6.022 × 10^21 23 है, और फिर कितने एटम थे 45 है, तो 45 कर दोगे। अब ये जो 10^10 है ना, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 10^21 बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को 45 से मल्टीप्लाई करो तो 270 आएगा, और जो बच गया 10^21 क्या दिक्कत है। बोलो सर, अरे बोलो, समझ में आया? हाँ, ये मल्टीप्लाई, ये बस मल्टीप्लाई डिवाइडिंग करना है, तो ये क्वेश्चन बी सी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इसमें के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एसडब्ल्यू के आप करना, ठीक है, और जो नहीं होगा एक क्वेश्चन यहाँ पे तुम इसको छोड़ देना, ये क्वेश्चन इसको क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ देना, ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ देना। यस सर, ओके सर, बाकी सारे क्वेश्चन आप कीजिएगा। एक पहला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, देखो क्या क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस इज लार्जेस्ट, किस सब्सटेंस में सबसे ज्यादा एटम की संख्या है। तो सिंपल सी बात है, एटम कैसे निकालते हैं, एटम निकालने का तरीका क्या है, ये हो नहीं लेते चावल बाकी देखा सर, मोल इनटू में टोटल एटम्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर, तो बस हाँ मोल निकाल लो और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई एवोगैड्रो नंबर, सुनो सुनो, अरे एग्जाम में क्वेश्चन सब कर लेते हैं लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, टाइम भी तो बचाना है एग्जाम में, अरे टाइम बचाना है कि नहीं, कि बस करते जाना है, ऑब्जेक्टिव टाइम बचाना है, नीट का एग्जाम है ना, नहीं नीट का एग्जाम है तो तुम्हारे आंसर से मतलब है, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, नीट में ऐसा नहीं है कि कौन बच्चा कैसे कर रहा है, बस तुम आंसर सही ला दो, ठीक है, तो आंसर कैसे सही आएगा, क्वेश्चन ने पूछा है कि एटम की संख्या बताओ किसमें ज्यादा है, तो एटम देखो जिसका मोल ज्यादा होगा उसमें एटम ज्यादा होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि एटम कैसे निकालते हैं, मोल इनटू एनए करते हैं, तो एनए तो सब में मल्टीप्लाई होगा, यस सर, तो इससे हम एनए को मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, हम देख लेंगे जिसमें ज्यादा मोल उसमें ज्यादा एटम, आयोडीन सर ए होगा फिर ऑप्शन, सर डी होगा ना, गलत,
सर डी गलत गलत ए रॉन्ग सी रॉन्ग डी बी अब एक एक भी आंसर सही नहीं आ रहा अब डी फॉर डी डी डॉग 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 फर्स्ट बी होना चाहिए ना डी होगा सर होल ड्रामा हाइड्रोजन है क्योंकि चार मोल बन रहे हैं इसके अंदर सब दस नंबर क्या है तो सर डी हो जाएगा ना सुनो ये चार मोल है ये कितना होता है एक ग्राम ये तुम्हारा 127 ग्राम आयोडीन कितना मोल हुआ डी कितना मोल हुआ ये बताओ तीन सर वन मोल हुआ आयोडीन आयोडीन का जो मास होता है ना एटॉमिक मास 127 है तो ये वन मोल है ये क्या है ये तुम्हारा देखो एक मैग्नीशियम टू चौबीस ये क्या है ये भी दो ये भी तो लेकिन ये तो चार मोल हो चार है ये और एटम की संख्या क्या होता है जितना मोल उसमें बस एने से मल्टीप्लाई कर दो तो एने तो सब में कॉमन होगा तो उसे मल्टीप्लाई करो या ना बात तो वही है कि नहीं यस सर यस सर तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा डी का था सर अच्छा डी आप बोले सही है हाँ कांचा बोलिए क्या डाउट है आपका आपको जैसा आप अगर आपको ये है आप सॉल्यूशन पूरा करके ही भेज दो नहीं तो केवल इसके आंसर भेज दो रफ में करके बस वन जैसे क्वेश्चन नंबर फोर के आंसर ऐसे करके सर कब तक भेजिए आप कल की क्लास से पहले तक भेज देना ओके सर कल इवनिंग की क्लास से पहले तक आप भेज दीजिएगा ठीक है सर अटेंडेंस कैसे देनी है अटेंडेंस आपका ऑलरेडी बन चुका है ठीक है जब आप ज्वाइन करते हो ना ठीक है अटेंडेंस जैसे ही आप ज्वाइन किए होगे ना और आप अपने स्टूडेंट आईडी वगैरह पुट किए होगे तो आपका क्या होगा अटेंडेंस आपका बन चुका होगा ओके सर क्या बता रहे हो